नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेंद्र पुलिस की गिरफ्त से फरार, गिरफ्तारी के लिए 10 टीम में छान रही है खाक, 25,000 के इनाम का भी ऐलान। बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र ने कोर्ट में दी सरेंडर की अर्जी, वीडियो जारी कर खुद को बताया बेकसूर, वीडियो में पुलिस के अफसरों को ठहराया गोलीकांड का जिम्मेदार। गोलीकांड के मुख्य आरोपी के समर्थन में खुलकर आए स्थानीय भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह, आरोपियों की ओर FIR दर्ज कराने पहुंचे थाने, विधायक का रोते हुए वीडियो वायरल। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पर बॉलीवुड में हिंदू मुस्लिम के नाम पर फूट डालने को लेकर दर्ज होगा केस, बांद्रा कोर्ट ने दिए निर्देश, बहन रंगोली पर भी होगा केस। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के बेटे पर रेप का केस, एक्ट्रेस ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाने और अबॉर्शन करवाने का दर्ज कराया केस, मां योगिता बाली भी आरोपी। वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत 94वें स्थान पर, विशेषज्ञों ने कुपोषण से निपटने में बड़े राज्यों के खराब प्रदर्शन को ठहराया दोषी, पिछले साल 102वें स्थान पर था भारत। बिहार चुनाव में LJP नेता चिराग पासवान ने CM नीतीश के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा नीतीश मुख्यमंत्री बने तो विपक्ष में बैठूंगा, BJP LJP की सरकार बनने का किया दावा। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने जारी किया अपना घोषणा पत्र, बोले तेजस्वी यादव 10 लाख बेरोजगारों को देंगे रोजगार, किसानों की कर्ज माफी का भी वादा, नीतीश पर जमकर बोला हमला। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया मिशन शक्ति, बलरामपुर से किया आगाज, UP पुलिस में 20% होगी बेटियों की भर्ती। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकी ने सेना के सामने किया सरेंडर, एक आतंकी हुआ ढेर। छत्तीसगढ़ की मरवाही विधानसभा चुनाव में जोगी परिवार को बड़ा झटका, अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त, बोले अमित जोगी चुनाव में दिख रहा पराजय को टालने के लिए सरकारी हथकंडा। पहली बार मरवाही विधानसभा चुनाव से जोगी परिवार हुआ बाहर, अमित और ऋचा जोगी का नामांकन हुआ निरस्त, अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुई थी मरवाही सीट। मध्य प्रदेश के उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया 52 वचनों वाला वचन पत्र, बोले कमलनाथ 7 महीने में ही जनता क्यों बदलेगी अपना फैसला, भाजपा का पलटवार, चुनाव में जनता तोड़ देगी गुरूर। शिवराज एक्टिंग में शाहरुख को भी पीछे छोड़ देंगे, कमलनाथ का शिवराज पर तीखा हमला, मुंबई जाने की दी सलाह। 2 आरक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज, आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, SIT ने पीड़ित परिवार और स्थानीय महकमे के अफसरों और कर्मचारियों से की पूछताछ। चुनावी काल में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर ग्वालियर में कांग्रेस और भाजपा उम्मीदवारों पर दर्ज हुई FIR। देश में कोरोना के एक्टिव केस 8 लाख से हुए कम, 24 घंटे में 62,000 से अधिक नए केस, अब तक 74 लाख से अधिक हुए संक्रमित। पंजाब और हरियाणा में पराली जलने से दिल्ली की हवा हुई खतरनाक, प्रदूषण का हिस्सा 19% के ऊपर हुआ, CPCA ने जारी किए नए आंकड़े। वेब सीरीज आश्रम का दूसरा सीजन 11 नवंबर से होगा स्ट्रीमिंग, बॉबी देओल ने इसमें निभाया है काशीपुर वाले बाबा निराला का किरदार, डायरेक्टर है प्रकाश झा। राजकुमार राव और नुसरत भरूचा अभिनीत फिल्म छलांग का प्रीमियर 13 नवंबर को Amazon प्राइम पर, फिल्म के निर्देशक है हंसल मेहता। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर और इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।